हेलो दोस्तों, ये आईफोन 11 है, देख सकते हैं। इसको ओपन करने का मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके पास कोई टूल वगैरह नहीं है तो कैसे आप नॉर्मल टूल्स से आप इसे ओपन कर पाएंगे। इसमें देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कस्टमर लाए हैं तो ज़्यादा टूल ना दिखने के कारण कस्टमर ने बोला इसे ओपन कर पाओगे या नहीं, तो मैं इसे बेस्ट तरीके से ओपन करूँगा। इसमें कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, आईफोन बहुत इजी तरीके से ओपन हो जाता है। तो इसे कैसे ओपन करते हैं देखिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। इसे मैं विदाउट टूल के ही ओपन कर लूँगा। जो नॉर्मली आपके पास टेम्पर्ड का ग्लास का जो पीछे बैक गार्ड आता है वो आप फेंक देते होंगे, उसी से मैं ओपन करके दिखा दूंगा। सिर्फ आपके पास आईफोन टूल एक पेचकस होना चाहिए, जो दो पेच आप ओपन कर सकते हो, उसके बाद इसे आप नॉर्मली ही ओपन कर पाओगे। तो कैसे ओपन करना है चलिए, ये आईफोन 11 है तो ये हमने दोनों पेच जो है वो रिमूव कर दिया है। और क्या करना है आपको, अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं आईफोन, या आपको ऐसा लग रहा है ये आईफोन पहली बार ओपन हो रहा है, तो हल्की असेंबली से आप इस पे चारों तरफ हीट भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई आईफोन ऐसा होता है कि फेविकॉल से भी हल्का चिपका हुआ होता है वाटरप्रूफ के लिए। तो आप असेंबली का भी यूज कर सकते हैं। अगर फ़ोन ऑलरेडी खुला हुआ है, आपको ऐसा दिख रहा है साइड से, आप देखेंगे तो डिस्प्ले ऐसा लगेगा कि आपको खुला हुआ है, तो आप इसे नॉर्मली खोल पाएंगे। तो ये हमारे पास ब्लेड है जिसमें बिल्कुल अभी शार्प नहीं है, देख सकते हैं ब्लेड का हाल, बिल्कुल नॉर्मल ब्लेड है। और ये टेम्पर्ड का गार्ड है, देख सकते हैं। तो इसी से मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से। इसके लिए आपको कोई बेस्ट टूल खोजने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देख सकते हैं इस तरह से ब्लेड से हल्का पॉइंट बनाना है आपको, और उसके बाद उसमें क्या करना है, टेम्पर्ड का जो गार्ड होता है उसको उसके अंदर डालना है, और उसी तरीके से धीरे धीरे आपको ब्लेड से हल्का हल्का जो है इसमें गैपिंग बनाना है, और उसमें आपको टेम्पर्ड का गार्ड काट के उसमें डालना है, और फिर ये ईजी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं।
तो फाइनली चारों तरफ हमने गैपिंग बना लिया है। अब हल्के हल्के जो है इसको पुश करना है और फिर ये आसान तरीके से आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास नाखून है तो आप नाखून से भी इसे आराम आराम से इसकी गैप बना सकते हैं डिस्प्ले में। चारों तरफ आपका जब गैप बन जाएगा तो देखेंगे ये बहुत आसान तरीके से इसका डिस्प्ले रिमूव हो जाएगा। तो जहाँ आपको गैप कम लगे तो वहाँ आप ब्लेड का उपयोग या कैम्पर्ट गार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये गैप काफ़ी बन चुका है। तो इसी तरीके से पहले आपको गैप बनाना है और हल्की हल्की गैप बनाना है, ज़्यादा तेज नहीं डालना है, नहीं तो डिस्प्ले डैमेज भी हो सकता है। तो सिर्फ आपको हल्के हल्के ही गैप बनाना है। देख सकते किस तरीके से मैं गैप बना रहा हूँ, देख सकते हैं बस हल्का हल्का गैप बनाना है आपको चारों तरफ लेकिन बनाना है। और देख सकते हैं जो ये फ़ोन पहली बार खुल रहा था इसमें पेस्टिंग भी किया गया है वाटरप्रूफ के लिए, जिससे इसमें पानी वगैरह ना जाए। तो देख सकते हैं ये इजी तरीके से, देख सकते हैं इसमें फेविकॉल भी आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने SMD से हल्की हल्की हीट मार दिया था जिससे ये फेविकॉल आसान तरीके से हट जाए। तो इसी तरीके से देख सकते हैं ये फेविकॉल जो है वो अभी पिघल गया है SMD से हीट मारने पे, तो अभी हट चुका है ये। अब हम इसे आसान तरीके से डिस्प्ले को रिमूव कर लेंगे। तो देख सकते हैं चारों तरफ हमारे डिस्प्ले का गैप बन चुका है और ये डिस्प्ले बिल्कुल जो है फ़ोन से अलग हो चुका है, देख सकते हैं। तो आपको पत्ते का भी ध्यान रखना है, देख सकते हैं ये बिल्कुल ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें वाटर डैमेज है, देख सकते हैं वाटर भी गया हुआ है। तो देख सकते हैं फ़ोन आसान तरीके से ओपन हो चुका है। तो आप नॉर्मल टूल से भी आईफोन को ओपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख सकते हैं इसी तरीके से ये ओपन हो चुका है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।